हेलो गाइस, वेलकम टू इंफ्रा माइंड। गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने TCS NQT में इस बार पार्टिसिपेट किया है तो आप इस वीडियो को मिस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर TCS ने कुछ कंपनी में जॉब्स के लिए यहाँ पर लिंक एक्टिवेट किया है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। वीडियो के माध्यम से हम आपको अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाएंगे। तो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो यहाँ पर गाइज, अगर आपने अपने NQT के स्कोर को चेकआउट कर लिया है तो आप यहाँ पर इस जॉब में अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आपने अभी तक अपने NQT को स्कोर को चेकआउट नहीं किया है तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया है जिसे आप चेकआउट जरूर करिएगा। उस वीडियो का लिंक हम आपको इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर गाइज, अगर आपके पास NQT का स्कोर है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक नया रिज्यूमे क्रिएट करना है जिसमें आपको अपने NQT के स्कोर को मेंशन करना है, जितना भी स्कोर आपने इस बार गेन किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमा कंपनी में। तो ये जो लिंक है, क्रोमा कंपनी का एंड टाइटन कंपनी का, दोनों लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से चेकआउट करिएगा। तो क्रोमा कंपनी में जब आप इस पेज पर आओगे तो यहां पर आपको करंट ओपनिंग्स का सेक्शन मिलेगा, तो आपको इसी पे प्रेस करना होगा सो दैट आप करंट ओपनिंग वाले सेक्शन में आ जाओगे। तो यहाँ पर आपको कोई जॉब्स तो नहीं दिखाई देंगे, बट यहाँ पर डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट लोकेशन या सिटी में आपको कुछ यहाँ पर नेम एंड ईमेल आईडी शो होंगे। तो यहाँ पर जो भी नेम या ईमेल आईडी है ये इस कंपनी के HR डिपार्टमेंट के हैं, यानी कि अगर आप नॉर्थ जोन में हो, यानी कि दिल्ली NCR या फिर UP, पंजाब, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ के वहाँ के किसी सिटी के आप मेंबर हो, तो आप इस नेम में, जो कि वीरेंद्र प्रताप सिंह नेम है, इनके मेल आईडी पर अपने रिज्यूमे को मेल कर दीजिएगा। तो ये जो भी मेल है ये HR डिपार्टमेंट के ही है, क्रोमा कंपनी के ही है। तो आपको यहाँ पर अपने रिज्यूमे को सेंड करना है इस मेल आईडी पर। एक बात का आपको ध्यान देना है गाइस कि रिज्यूमे में अपने आप NQT के स्कोर को मेंशन जरूर कीजिएगा। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल की जो लोकेशन थी वो आपको नीचे भी मिलेगी, हरियाणा एंड पंजाब एंड वेस्ट बंगाल में। तो आप यहाँ पर भी अपने रिज्यूमे को सेंड कर दीजिएगा, जो कि इनकी amit.parier@coma.com है। सेम यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल के लिए एक और यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी होगी। तो आप अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पर रिज्यूमे को सेंड कर दीजिएगा। रिज्यूमे में आपका, अगर आपका NQT का स्कोर मेंशन है तो उधर से मेल बैक आ जाएगा कि आपका इंटरव्यू कब होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट तो कोई होने वाला नहीं है। ऑनलाइन टेस्ट आपने ऑलरेडी NQT में दे दिया है, तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है। अब हम बात करते हैं टाइटन्स कंपनी में, जो कि वॉच कंपनी है। यहाँ पर भी TCS के थ्रू जॉब्स का ऑफर आया है जिसमें आपको कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन के दिए गए लिंक को आपको ओपन करना है, जहाँ पर आपको करंट वैकेंसी नाम की एक बटन मिलेगी, आपको इसी पर प्रेस करना होगा। जैसे आप प्रेस करोगे नेक्स्ट पेज पर आप आओगे गाइस, जहाँ की आपकी पोर्टल वाली पेज होने वाली है। तो यहाँ पर गाइस आप देखेंगे कि नीचे आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको करंट ओपनिंग वैकेंसी मिलेगी। सबसे अच्छी बात यह है गाइस कि यहाँ पर कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, आप फ्रेशर हो, आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। तो यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले अप्लाई वाले इस बटन पर प्रेस करना होगा जिस जॉब में आप अप्लाई करना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पर ये चेन्नई ब्रांच का है, ये आर लोकेशन है, इंडिया का ब्रांच है। टोटल यहाँ पर 3 पेजेस में जॉब्स है, तो आप सारे जॉब्स को अप्लाई जरूर करिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मेल आईडी को एंटर करना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपने मेल आईडी को एंटर कर लेता हूँ। सेम इसी तरह से आप अपने मेल आईडी को एंटर करके नेक्स्ट बटन पर प्रेस करिएगा। जैसे आप नेक्स्ट बटन पर प्रेस करोगे तो जैसे गाइस आप नेक्स्ट पेज पर आओगे, सबसे पहले आपकी यहाँ पर वैकेंसी आईडी आपको मिल जाएगी, जिसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये फ्यूचर वर्क में काम आ सकता है। एंड आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने रिज्यूमे को अपलोड करना होगा। तो रिज्यूमे को अपलोड कर सकते हो, सपोज मैं यहाँ पर डोंट हैव रिज्यूमे पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स एंटर करने होंगे। तो मेक श्योर आप अपने रिज्यूमे को एंटर जरूर करिएगा। पहले हम आपको अपने डिटेल्स को एंटर करके दिखा देते हैं, इसके बाद आप अपने रिज्यूमे को एंटर जरूर करिएगा। तो इस तरह से गाइज अपने आप डिटेल्स को एंटर कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर एक डमी डिटेल्स को यहाँ पर एंटर किया है, जहाँ पर आपको एक बात का आपको ध्यान देना है कि आप अगर फ्रेशर हो, किसी भी कंपनी में जॉब नहीं करते हो, तो यहाँ पर आपको 0 एंड आपके जो एनुअल सिटेसी है उसमें भी आपको 0 एंटर करना है। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हो, मोस्टली 0 ईयर्स का ही होगा आपके पास। देन आपको इस सबमिट बटन पर प्रेस करना होगा। जैसे ही गाइस आप सबमिट बटन पर प्रेस करोगे तो आपकी यहाँ पर एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी इनकी साइट पर आपके नेम के थ्रू। एंड यहाँ पर आप नीचे आएंगे, देखेंगे करंट ओपनिंग्स में आपकी जो जॉब्स थी वो आपकी ऑलरेडी अप्लाई हो चुकी है।
तो मेक श्योर आप अपने रिज्यूमे को अपडेट करिएगा एंड रिज्यूमे को अपलोड जरूर करिएगा। मैंने यहाँ पर रिज्यूमे अपलोड नहीं किया है, बट आप अपने रिज्यूमे को अपलोड जरूर करिएगा एंड अपने रिज्यूमे में एनक्यूटी के स्कोर को मेंशन जरूर करिएगा। आप चाहो तो मल्टीपल जॉब में अप्लाई कर सकते हो, सिंपली आपको अप्लाई पे प्रेस करना होगा एंड आपकी जॉब जो होगी ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। आपको बार बार फॉर्म फिलअप नहीं करने हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे इस जॉब में भी अप्लाई हो गया। तो इस तरह से आप सारे जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो एंड इस पेज को आप बार बार रिफ्रेश कीजिएगा एंड आप टाइटंस कंपनी में एंड आपकी जो क्रोमा कंपनी में, दोनों कंपनी में आप जॉब्स में अप्लाई जरूर कीजिएगा। इसके बाद गाइज अगर टीसीएस की तरफ से कोई और भी अपडेट आती है किसी और कंपनी में जॉब्स में अप्लाई करने का, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको वीडियो के थ्रू आपको अपडेट करते रहेंगे, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करिएगा। जॉब्स में अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, तो आप जॉब्स में अप्लाई जरूर करिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के पास। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।